हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटी वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आप यहां पर देख रहे हैं स्किन शाइन क्रीम। आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है गर्मियों में इस क्रीम को कैसे लगाएं। काफ़ी कमेंट आते हैं मेरे पास कि ये क्रीम गर्मियों में कैसे यूज़ करें, क्या समर में इसको यूज़ करना चाहिए और करना है तो कैसे करना है। विद प्रैक्टिकल आपको बताऊंगी कि कैसे यूज़ करना है और समर में कितना यूज़ करना है, कितना नहीं करना है, सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं। सो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलती रहती है। अभी देखिए, ये जो स्किन शाइन क्रीम है, ये कुछ क्रीम्स है ना, सिर्फ जानकारी के अभाव में बहुत से लोगों के फेस ख़राब हो जाते हैं, उनकी स्किन पर रेडनेस आ जाती है, ईचिंग हो जाती है, बर्न हो जाती है, क्योंकि उनको एक प्रॉपर पता ही नहीं है। डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर भी क्रीम रिकमेंड करते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट भी क्रीम रिकमेंड करते हैं, लेकिन या तो क्लाइंट तरीका नहीं पूछ रहा है, जो पेशेंट है वो तरीका नहीं पूछ रहा है, या तो फिर उन्होंने समझा नहीं है कि हमें कैसे यूज़ करनी है, और इसको यूज़ करने लगते हैं हम फेयर कलर होने के लिए, कि हमारा कलर फेयर हो जाए। देखिए, ये हमारे इंडिया में मानसिकता है गोरा बनना। गोरा बनने के लिए लोग कुछ भी करते रहते हैं, कुछ भी। तो स्किन शाइन क्रीम भी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है गोरा होने के लिए। गोरा होने के लिए लोग जो भी प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं उसको यूज़ करने लगते हैं, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो क्रीम है इसको किस तरीके से यूज़ करना है, क्योंकि जानकारी के अभाव में ये क्रीम भी आपके फेस को ख़राब कर सकती है, आपके स्किन को बर्न कर सकती है। तो इसीलिए पहले कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, अभी स्किन शाइन क्रीम ही नहीं, मैं बोलूँगी आप कितना ही महंगे से महंगा, क्योंकि हम लोग पता है क्या करते हैं, महंगा प्रोडक्ट है तो आँख बंद करके बिलीव करते हैं कि ये तो इतना पैसे का प्रोडक्ट है तो अच्छा ही होगा, और कितना ही सस्ता प्रोडक्ट हो तब भी ये सोच के यूज़ मत कीजिए कि हाँ बहुत सस्ता है, ये तो मैं परमानेंट यूज़ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, बिना उसके बारे में जाने। हमको ये तो पता नहीं होता है कि हमको यूज़ भी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन हम बस ये सोच के यूज़ कर लेते हैं कि यार ये तो हमारे स्किन के लिए सही है, उसने बताया है, किसी भी हमारे आस पड़ोस, हमारे रिश्तेदारी, हमारे जानकार, हमारे नॉन जो भी हैं, हमारे दोस्त हो गए, कोई भी हमको बताते हैं और हम उसको सही मानकर यूज़ करने लगते हैं। हम लोग एक बार को भी ये नहीं सोचते कि क्या हमारे लिए भी ये चीज़ सेफ़ है या नहीं है, हमारी स्किन के लिए सेफ़ है या नहीं है, क्योंकि सभी का स्किन टाइप अलग अलग होता है और हर किसी का स्किन टाइप अलग होने के कारण हर किसी को अलग अलग चीज़ें सूट करती हैं। डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो वो अलग अलग चीज़ें रिकमेंड करते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको बिल्कुल सही और परफेक्ट तरीका बताऊंगी कि इस क्रीम को आपको कैसे यूज़ करना है। इसको आपको जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, अगर उस तरीके से यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको यूज़ करना है उसी तरीके से जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले तो क्या करना है, आपको ये क्रीम हमेशा रात में यूज़ करनी है। अब देखो, ये क्रीम ना गोरे होने के लिए नहीं बनी है। अगर आपके फेस पर पिगमेंटेशन है, आपके फेस पर स्कार्स है, मिलाज़मा है, हाइपर पिगमेंटेशन है, तब आप इस क्रीम को यूज़ कीजिए। गोरा होने के लिए आप इस क्रीम को यूज़ ना करें, क्योंकि ये क्रीम गोरा करने के लिए नहीं है। इस क्रीम में जो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मेंशन है प्रोडक्ट्स हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटिनोइन एंड मोमेटासोन। ये जो हैं, ये कुछ ब्लीचिंग एजेंट हैं, कुछ स्टेरॉइड्स हैं, जो कि ब्लीचिंग एजेंट आपको कुछ समय तक के लिए तो आपको लगता है कि हमारा स्किन गोरा हो रहा है, लेकिन आप इसको या तो परमानेंट यूज़ करने लगते हैं, जो कि केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट है, हमको परमानेंट कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, या तो फिर जब आप इसको छोड़ते हैं तो आपकी स्किन वापस से पहले की जैसे हो जाती है। तो हमने ऐसा नहीं करना है, हम इसको यूज़ करेंगे पिगमेंटेशन पर, स्कार्स पर, और वहीं पर मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी। सो बिल्कुल लाइट स्कार भी है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आपके डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है? सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मेरी मॉडल रेडी हैं एंड आप देख सकते हैं इनको स्कार भी है एंड पिगमेंटेशन भी है। यू कैन सी दोनों साइड इनको पिगमेंटेशन है। पिगमेंटेशन आपको इस एरिया पे है या इस एरिया पे है या कहीं भी है, वहाँ पर आपको यूज़ करनी है, ठीक है? सो हमारी मॉडल रेडी है प्रैक्टिकल के लिए एंड मैं आपको दिखाती हूँ।
सो देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको फेस वॉश करना है अच्छे से, ठीक है। जो भी आपका स्किन टाइप है, आपका स्किन टाइप ड्राई है एंड आपका स्किन टाइप ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, नॉर्मल है, जो भी है, सेंसिटिव है, उसके अकॉर्डिंग आपको फेस वॉश यूज़ करना है। अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा फेस वॉश आपको यूज़ करना चाहिए तो उस पर भी मैं वीडियो जल्दी ही बना दूंगी, तो आप वो देख लीजिएगा एंड ज़रूर से वो वाला फेस वॉश ले लीजिएगा जिससे कि आपकी स्किन एकदम ओके रहे और स्किन टाइप के अनुसार ही हमको प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। यहाँ पर हमारी मॉडल का फेस वॉश भी है एंड अब हमको कैसे यूज़ करना है। सबसे पहली बात, आपको हमेशा नाइट में यूज़ करनी है। दिन में ये वाली क्रीम आपको बिल्कुल भी यूज़ मत करना, क्योंकि दिन में हम लोग धूप में निकलते हैं और ये जो क्रीम्स है ना, इनमें केमिकल्स होते हैं और केमिकल जब धूप के कॉन्टेक्ट में जाते हैं तो रिएक्ट करते हैं, तो इसीलिए आपकी स्किन पर जब ये अप्लाई होगी तो आपकी स्किन पर वो रिएक्शन होगा जिससे कि आपकी स्किन को हार्म हो सकता है, आपकी स्किन बर्न हो सकती है, आपको इरिटेशन हो सकती है, ईचिंग हो सकती है, बर्निंग, जो भी कुछ भी इश्यूज़ आपको हो सकते हैं, रेडनेस हो सकती है, दाने हो सकते हैं, तो इसीलिए कभी भी धूप में तो यूज़ करना ही नहीं है, मतलब कि दिन में यूज़ नहीं करना है आपको, आपको यूज़ करना है इसको हमेशा नाइट में, ठीक है, नाइट में यूज़ करना है। आपको क्या करना है, नाइट में फेस वॉश करना है अच्छे से, फेस वॉश हो गया, इसके बाद में थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको क्रीम लेनी है और इसके बाद में आपने क्या करना है, थोड़ी सी क्रीम लेनी है। अभी पता है गलती कहाँ होती है, मैंने देखा है, हमने क्रीम ली, पूरे हाथों पे रब करी और पूरे फेस पे लगा दी। मैंने तो इतना तक देखा है कि जो ये वाला आईब्रो है, इस ये जो हमारा सॉरी ये लिड वाला जो हमारा एरिया है, हमारी क्रीज है, लिड है, इस एरिया को भी लोग इतना सेंसिटिव कर लेते हैं ये वाली क्रीम्स यूज़ करके, जो कि बिल्कुल अप्लाई ही नहीं करनी है। हमारा इसका एरिया कितना सेंसिटिव होता है और उस पर आप एक क्रीम अप्लाई करेंगे तो आप सोचो कि आपको कितना नुकसान हो रहा है, तो इसीलिए बिल्कुल अवॉइड करना है ये करना, ठीक है, रब किया पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया, नो, कभी भी नहीं, बड़ा बिग नो है ना, कभी भी नहीं करना है ऐसा। आपको सिर्फ अपना जो पिगमेंटेशन वाला एरिया है वहाँ पर फेस वॉश किया, उसके बाद में आपको सिर्फ इस तरीके से, ये देखिए थोड़ी सी मैंने क्रीम ली और बस इस तरीके से आपको उस एरिया पर अप्लाई करना है ना, ओनली उस एरिया पर जहाँ पिगमेंटेशन थी, उसके अलावा कहीं भी नहीं जाना है, ओके, जहाँ पिगमेंटेशन थी वहाँ पर अप्लाई करना है, जहाँ पर स्कार है, ये देखिए ये जो स्कार है बस यहाँ पर अप्लाई करना है, इतना सा, इसके अलावा कहीं भी नहीं। जैसे आपने देखा है मस्से होते हैं उस पर कुछ लोग चूना लगाते हैं, आप सोचो पूरे फेस पे चूना थोड़े लगाएंगे, सिर्फ जो मस्सा है उसी पर लगाएंगे ना, क्योंकि हमको उसी को हटाना है, तो वैसे ही हमको सिर्फ पिगमेंटेशन को हटाना है तो हम सिर्फ पिगमेंटेशन पर ही इसको अप्लाई करेंगे। ये देखिए ओनली जो प्रॉब्लम है वहीं पर अप्लाई करेंगे, एक्स्ट्रा बच गई है अगर आपको ज़्यादा निकल गई है तो इसको बिल्कुल फेंक दीजिए, लेकिन ये सोचकर कभी भी यूज़ मत कीजिए कि वेस्ट जाएगी, ठीक है, और जो आपने बाहर निकालनी है उसको कभी भी ट्यूब में वापस मत डालिए, क्योंकि केमिकल जब बाहर आ जाता है तो वो हमारे जो ये हमारी जो हवा होती है, ह्यूमिडिटी होती है, इसके साथ में मिलकर रिएक्ट करने लगता है, तो इसको कभी भी वापस आपको नहीं डालना है, एक्स्ट्रा को आपको हटा देना है, या तो आप निकालिए उतना ही जितना आपको यूज़ करना है, तो इस तरीके से आप यूज़ करो, ठीक है। रात में आपने यूज़ कर लिया, उसके बाद मॉर्निंग में अब आपको क्या करना है, तो मॉर्निंग में आपको वापस जब आप सुबह उठेंगे फेस वॉश करना है, फेस वॉश आपको अपने स्किन टाइप के अनुसार यूज़ करना है, उसके बाद में कोई भी मॉइस्चराइज़र जो आप यूज़ करते हैं वो आपको यूज़ करना है आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, सेंसिटिव है, नॉर्मल है, जो भी स्किन टाइप है उसके अनुसार। अब आपको कोई भी सनस्क्रीन लेनी है, देखिए 50 SPF, ये यहाँ पर देख सकते हैं 50 SPF है, एक्वालॉजिका की है एंड यहाँ पर ये 35 SPF की है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी 50 SPF की। अब आप लॉटस की ले सकते हैं, आप न्यूट्रीजेना की ले सकते हैं, आप और कोई भी ब्रांड की ले सकते हैं, ठीक है, जो आपको कंफर्टेबल हो वो आप ब्रांड की ले सकते हैं, और उसकी एक लेयर आपकी जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम आपने अप्लाई की है उसके ऊपर आपको
लगानी है। अब ये कहाँ लगानी है, ये आपको पूरे फेस पर लगानी है क्योंकि ये यूवी रेस से हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करती है। तो सनस्क्रीन हम पूरे फेस पर यूज़ कर सकते हैं, आई वाला एरिया हमको अवॉइड करना है। तो सनस्क्रीन आपको पूरे फेस पर लगानी है। उसके बाद अगर आपको धूप में जाना पड़ रहा है, आप फिर भी सनस्क्रीन के बाद भी आपको फेस को कवर करना है और उसके बाद में ही आपको धूप में निकलना है। तो इस तरह से अगर आप करके और ये क्रीम यूज़ करेंगे तो आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। आपको जो बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे हैं वो बेनिफिट्स भी आपको ज़रूर मिलेंगे। सो आई होप आपको अभी समझ में अच्छे से आ गया है कि हमको ये क्रीम किस तरह से यूज़ करनी है। एंड प्रॉपर तरीके से यूज़ कीजिए, एक लिमिटेड टाइम यूज़ कीजिए, आपकी धीरे धीरे पिगमेंटेशन हटने लगेगी। उसके बाद एक साथ मत छोड़िए, धीरे धीरे करके इसको छोड़िए कि जैसे आपने आज छोड़ा इसको, फिर आप दो दिन बाद फिर लगा लीजिए, फिर तीन दिन बाद छोड़ दीजिए। ऐसे धीरे धीरे अल्टरनेट डेज करके छोड़ेंगे ना तो ये क्रीम इजीली छूट जाएगी, आपकी पिगमेंटेशन भी रिटर्न नहीं आएगी और आपका फेस बिल्कुल अच्छा हो जाएगा और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। सो आई होप जो भी मैंने आपको बताया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको ज़रूर उसका आंसर मिलेगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।